गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरविंद सिंह मान, पीजीटी कॉमर्स विद्यार्थी पब्लिक स्कूल. नाउ टुडे वी विल टेक ऑन चैप्टर नंबर 5, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द नेम ऑफ द बुक एंड द लेसन इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया क्लास 12 कॉमर्स. नाउ व्हाट इज टुडेस टॉपिक? द टुडेस टॉपिक इज एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया. नाउ एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया रेफर्स टू द अडल्ट लिटरेसी रेट, कि बुजुर्गों के हमारा क्या लिटरेसी रेट है, प्राइमरी एजुकेशन का हमारा क्या है, कितना कंडीशन है हमारा ग्रासरूट लेवल पे, उनके एजुकेशन देने की रेट क्या है, और यूथ लिटरेसी रेट, हमारा जो नौजवान है उसकी लिटरेसी रेट क्या है. नाउ द अडल्ट लिटरेसी रेट मेल 61% 1990 में और 81% 2015 में, फीमेल 37.9% 1990 में, 63% इन 2015. प्राइमरी कंप्लीशन रेट, प्राइमरी नाउ मेल 78% to 94% एंड फीमेल 61% to 99%. नाउ यूथ लिटरेसी रेट मेल 76% to 92% एंड फीमेल 54% to 87% इन 2015. सो इन दिस वे वी हैव अचीव समथिंग इन द ऑल थ्री सेगमेंट्स, अडल्ट, प्राइमरी एंड यूथ. नाउ डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट इन दिस कंट्री एंड दिस इज वॉट हाउ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन दस इज डन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन एडुकेसी एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज हाई लिटरेसी रेट, कि हाई लिटरेसी रेट क्या है, हमारी परेशानियां क्या है, क्या चैलेंजेस है. नाउ द हाई लिटरेसी रेट इज वॉट, द इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द वर्ल्ड. नाउ इन 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इज 74% एंड 20% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स आर स्टिल नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर द ओपनिंग द एजुकेशन. दिस इज द रियल चैलेंज फॉर अस, कि आज ये 20% लोग हैं जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है, वो आज भी स्कूल नहीं जा रहे, ये हमारे लिए चैलेंज है. दिस इज द चैलेंज फॉर अस, द हाई लिटरेसी रेट, कि हम उसको पीक पे नहीं ला पा रहे. हाई लिटरेसी रेट, हाई लिटरेसी रेट, 20% लोग जो 20% लोग 20% बच्चे हैं जो 6 से 14 एज ग्रुप में आ रहे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है. नाउ द सेकंड इज जेंडर बेस. नाउ द एनरोलमेंट ऑफ अ गर्ल इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज मच बिलो द एनरोलमेंट ऑफ बॉयज. अभी तो एनरोलमेंट की प्रॉब्लम है, अगर वो एनरोल होगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा, अब गर्ल्स के एनरोलमेंट ही करा दे मामा. नाउ द फीमेल लिटरेसी रेट इज नियरली 65% कंपेयर टू द मेल लिटरेसी रेट 82%. नाउ दिस इज द रियल चैलेंज विद अस, कि फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 65% है और मेल का 82%, क्यों? क्योंकि उनका एनरोलमेंट आ रहा है और फीमेल का एनरोलमेंट कम है. तो दिस इज द सेकंड चैलेंज फॉर अस इन इंडिया एज फार एज द एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न. एंड हाउ यू कैन डू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इफ योर जेंडर बायस इज सच ग्रेट डिफरेंस. नाउ द थर्ड इज लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. अब वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या है, कि एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ डिग्री बेस्ड, नॉट अ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस. वी हैव टू पुल आवर एजुकेशन सिस्टम ऑन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस रादर देन एनफोर्सिंग द यूथ टू डू द डिग्री कोर्सेस. नाउ द फोर्थ इज लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. नाउ लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मीन्स कि वेरी लो सिलेबस, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेरियस बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी which does not match the requirements. हमारा सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है वो आज भी कई यूनिवर्सिटीज और कई कॉलेजेस में और कई स्कूल्स में बहुत छोटा है, बहुत नीचे है, उसका लेवल बहुत नीचे. तो इसी वजह से हम एक्सपर्टाइज और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पा रहे. नाउ है इनसफिशियंट ग्रोथ एक्सपेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. 6% का टारगेट है टोटल एक्सपेंडिचर का, हम 4% ही कर पा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी कमी है कि हम एजुकेशन सिस्टम में एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ा पाए. नाउ द सिक्स्थ इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. आज देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, ग्रोइंग टेंडेंसी टू
was attending the education at private institution. Government schools or colleges की तरफ जा रहे हैं, लोग private institutions की तरफ जा रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी education लें। तो private education भी हमारे लिए एक challenge है। Low access level in the rural areas, low access level in the rural areas. How high degree of disparity reaching out the facilities of the education? अब इतनी disparities हैं education facilities में, ये अंतर आपको rural और urban areas में मिलेगा। Urban areas में facilities ज्यादा है, rural area में facilities education की कम है। So this is also a big challenge for us. And I believe that through this lecture, you must have understood about the educational achievement in India and what are the upcoming challenges in India as far as the education is concerned. And we have to overcome these challenges for the human capital formation, to making the human beings as a skilled and expertise and specialized in a work, so that they can do the social, political and economical growth of this country. Okay, thank you students.